हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। आशा है आप बिल्कुल ठीक होगे और बहुत सारी रीडिंग कर रहे होगे। तो आज की वीडियो एक बुक रिव्यू वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको जैसा मनुष्य सोचता है, जो जेन सेलर ने लिखी हुई है और जो एक बहुत ही क्लासिकल टाइप की सेल्फ हेल्प बुक है, जिसे बहुत ही प्रभावशाली लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये बुक एक बेस्ट सेलिंग बुक रही है और अभी भी रहती है, और मनुष्य जैसा सोचता है ये उसी वाक्य पर आधारित बुक है। ये बुक आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताती है और आपको बताती है कि आप जो सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि ये बुक कैसी है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस बुक की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल पर इस बुक की ऑडियो बुक अवेलेबल है। ये कुल मिलाकर 1 घंटे की बुक है, जिसे आप सुनने में 1 घंटा बिताओगे ज़रूर, लेकिन जब आप 1 घंटे बाद इस बुक को सुन लोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप सोचोगे कि आपने हाँ कोई ऐसी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी जो बिना किसी आंकड़ों के, बिना किसी बेकार की बातों के आपको सीधी सीधी बात बताती है कि आपको आपकी सोच ही आपका निर्माण करने वाली एक पद्धति है। अगर आप अपनी सोच को बेहतर बना लेते हो तो आप खुद भी बेहतर हो जाते हो। तो आज की वीडियो, ये वाली वीडियो जो बुक रिव्यू वीडियो है, जो इस बुक पर बेस्ड वीडियो है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि ये बुक आपको क्या सिखाती है, एग्जैक्ट क्या कहती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो इस बुक का जो ऑडियो बुक है, जो मेरे चैनल पर अपलोड है, और उस वीडियो की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप उसे भी चेक ज़रूर कीजिएगा और पूरा का पूरा सुनिएगा। ये बुक बहुत ही इजी टू रीड बुक है और आपको बहुत ही अच्छा फील होता है जब आप इस बुक को पढ़ लेते हो। आप अपने मस्तिष्क के बारे में, आप अपने मन के बारे में, आप अपनी सोचने की क्षमता के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हो, और ये बुक हमें यही सिखाती है कि हमारी सोचने की क्षमता को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने सोचने की क्षमता से हम बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूपांतरण स्वयं में कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं सभी सब्सक्राइबरों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, और अब ये सिलसिला और आगे बढ़ता जाएगा सब्सक्राइबर गेन करने का। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं, व्हाट्सएप से पूछते हैं, मेल के द्वारा पूछते हैं कि मैं किन किन चीज़ों को अपनी वीडियो में इन्वॉल्व करूं। वो बहुत सारे सजेशन मुझको देती हैं, और एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आपके पास जैसा मनुष्य सोचता है बुक है तो आप उस बुक को रीड करिए, उस बुक की ऑडियो बुक अपने चैनल पर अपलोड कीजिए, क्योंकि मुझे वो बुक आपकी आवाज़ में सुननी है, और आप उस बुक का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको वो बुक कैसी लगी। तो ये मेरी ओपिनियन है आज की वीडियो में कि मुझे ये बुक कैसी लगी। अदरवाइज़ आपको जैसी भी रीड करनी हो इस बुक के माध्यम से तो आप वैसी कर सकते हो। मेरी ओपिनियन आप इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिएगा, और साथ ही इस वीडियो में आपको क्या क्या इस बुक से रिलेटेड बातें मिलेंगी वो सारी की सारी आप बातें जान लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, जैसा मनुष्य सोचता है जेन सेलर की एक अमर कृति है, फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। उसके बाद में वो एंट्रोकुलम चले गए थे। एंट्रोकुलम जाने के बाद में उन्होंने अपने आप को विकसित किया और उन्होंने एक अमर ग्रंथ लिखा जो आज भी हमारे समक्ष पेश है। वैसे कि जेन सेलर का लेखनीय टाइम 9 वर्ष का ही रहा है, उन्होंने ज़्यादा रचनाएं नहीं लिख पाए क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी, और लेकिन उन्होंने जितनी भी अपने जीवन काल में जितनी भी रचनाएं लिखी वो बहुत ही अच्छी बुक रही हैं, बहुत ही अच्छी कृतियाँ रही हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं इस बुक के रिव्यू को। तो जैसा मनुष्य सोचता है, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। हम अपनी तकदीर का निर्माण स्वयं करते हैं, हम अपनी किस्मत का निर्माण स्वयं करते हैं, हम अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। ये छोटे छोटे लेखों के आधार पर जेम्स एलन हमें बताते हैं कि हम कैसे अपनी तकदीर का निर्माण खुद कर सकते हैं, कैसे आप अपने विचारों को एकाग्रित करके, आप अपने कार्यों को सही तरीके से करके, सहनशीलता के माध्यम से, आत्मसंयम के माध्यम से
आप अपनी शक्ति का निर्माण स्वयं कर सकते हो। तो इस बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं। ये बुक आपको बहुत छोटी लगने वाली है, लेकिन इस बुक की बातें हैं वो बहुत ही गहरी गहरी बातें हैं, जिन्हें आपको समझने में हालांकि ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन आप जब इन बातों को समझते हो, जब इस बुक को पढ़ रहे होते हो, तो आपको उन बातों के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आ जाता है। आपको अपने जीवन के माध्यम के बारे में समझ में आ जाता है कि आप एग्जैक्ट करना क्या चाहते हो, आप कैसे अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, कैसे आप अपने विचारों के माध्यम से कुछ अच्छा सफल प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप धन अर्जित कर सकते हो, कैसे आप अपने मन मस्तिष्क का निर्माण कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें हमें ये बुक बताती है। तो इसके अनुक्रम में टोटल 7 अध्याय हैं, जिनका नाम है विचार और चरित्र, परिस्थितियों का विचारों पर प्रभाव, विचारों का सेहत पर प्रभाव, विचारों और उद्देश्यों का प्रभाव, उपलब्धि में विचार एक घटक, परिकल्पना और आदर्श और शांति। इस बुक में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का समावेश किया गया है। जेम्स एलन ने इस बुक को लिखने में जितना भी टाइम बिताया हो, लेकिन उनकी मेहनत बहुत अच्छी तरीके से सफल रही है इस बुक को लिखने में। और इस बुक में बहुत सारी प्रेरणादायक बातों का उल्लेख किया गया है, और अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है कि यार आपने कुछ ऐसा पढ़ा कि आपको वो याद रहेगा, और उसी याद के माध्यम से आप अपने विचारों की शक्ति को समझ जाते हो, आप अपने आत्मसंयम को समझ जाते हो, और उसी आत्मसंयम को समझने के बाद में आप अपना आत्म विकास भी करने लगते हो, और उसी आत्म विकास के माध्यम से आप में ऐसा आत्मविश्वास आ जाता है कि आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये बुक इतनी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट करती है। इस बुक में जब आप पढ़ते हो तो ये बुक आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, आपका टोटल जो फास्ट रीडर होते हैं उनके लिए ये बुक केवल और केवल आधे घंटे के लिए है, और जो स्लोली रीड करते हैं, सोच समझ के पढ़ते हैं, सोच सोच के पढ़ते हैं, उनके लिए ये बुक 1 घंटे का काम करती है। तो हाँ, आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस बुक की ऑडियो बुक अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इंसान अपनी तकदीर स्वयं बनाता है, इसके वाक्य जो बहुत अच्छे तरीके से जेम्स एलन ने लिखे हुए हैं, सोच समझ कर लिखे हुए हैं कि आपको अपनी सोचने की क्षमता को विकसित कैसे करना चाहिए। एग्जैक्ट हमारी सोचने की क्षमता ही हमारी तकदीर और भाग्य का निर्माण करती है, ये सभी को पता है लेकिन कोई मानता नहीं है। और लेकिन आप जब इस बुक को पढ़ लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको पता चल जाएगा कि जो आप निर्माण करते हो, जो आप उत्पाद करते हो, वो उत्पाद हमारी सोचने की क्षमता पर ही आधारित होता है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातों का उल्लेख किया गया है। जब आप इस बुक को पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, आप कोई मोटिवेशन टाइप की बुक पढ़ रहे हो, और ये मोटिवेशन और सेल्फ हेल्प बुक टाइप है। आपको बहुत अच्छा लगेगा इस बुक को पढ़कर। मनुष्य ही खुद को बनाता एवं मिटाता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। मनुष्य अपने विचारों का स्वामी स्वयं है, अपने चरित्रों को स्वयं सांचे में ढालने वाला है, स्वयं ही अपनी परिस्थितियों में माहौल का भाग्य निर्माता होता है। आप अपने अंदर की शांति को कैसे विकसित कर सकते हो, शांति के माध्यम से क्या क्या चीज़ें अर्जित कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो, कैसे अपनी उत्पादनशीलता को बढ़ा सकते हो, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को कैसे एक नई सही ढंग से निर्धारित कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें हमें ये छोटी सी बुक बताती है। और हाँ, मेरे ओपिनियन के आधार पे ये बुक बहुत ही अच्छी एक सेल्फ हेल्प बुक है। जो बुक मैंने पहले भी मैंने रीड की करके रखी ये बुक, लेकिन मैंने इंग्लिश में रीड की थी तो मुझे उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा था। हाँ, होगी शायद, लेकिन मैं हिंदी पढ़ने वाला हूँ तो हाँ, मुझे हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बुक समझ में आ गई। जब मैंने इस बुक को रीड किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बुक मैंने पिछले साल परचेज की थी, और मुझे पता नहीं था कि इसका हिंदी संस्करण बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और ये ज़िंदगी को बदल देने वाली किताब है, ये लाइफ चेंजिंग बुक है, जिस बुक के माध्यम से आप
ये छोटी सी बुक जब आप पढ़ लोगे ना, तो इस बुक के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप, हाँ, ये बुक पढ़ने के बाद में अपने मन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आए हो, और यही परिवर्तन ये बुक हमें बताती है कि हम अपने अंदर परिवर्तन को कैसे महसूस करें, और अगर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है तो हम अच्छे अच्छे परिवर्तनों को कैसे अपने शरीर में, अपने मन मस्तिष्क में इंस्टॉल करें, अपडेट करें या अपलोड करें। तो हाँ, ये बुक बहुत ही अच्छी रीड है। आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हो, और इस सोचने की क्षमता को विकसित करने वाली ये बुक आपको एक नया तरीका बताती है कि आप अपनी सोचने की क्षमता को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हो। ये बुक आपको इतनी सारी चीज़ों को बता देती है कि जब आप अपने सोचने की क्षमता का विकास कर लेते हो, तो आपको अपनी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उन रोज़मर्रा की चीज़ों को कैसे घोल मोल कर आप उन चीज़ों को एक नया इफेक्टिवनेस प्रदान कर सकते हो। तो ये आपको बहुत ही थैंकफुल प्रदान करने वाली बुक है। जब आप इस बुक को पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ ऐसा रीड किया जो अदर सेल्फ हेल्प टाइप की बुक से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट टाइप का था। इसके शेड्स बिल्कुल अलग थे, और इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो जाएगा कि आप इन चीज़ों को कैसे अपनी ज़िंदगी में ढाल कर, उन चीज़ों को कैसे अपने आप में विकसित करके, डेवलप करके, इम्प्रूव करके, आप अपनी आदतों को, आप अपनी सोचने की क्षमता को, आप अपने अंदर के जो मानव का विकास होता है उसे कैसे कैसे अपने अंदर इंस्टॉल करते जाओगे। और वही चीज़ें हमें ये बुक सिखाकर हमें अपने अंदर का आत्म विकास, आत्मबल और आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण और आत्मसंयम के साथ साथ में आत्मविश्वास का भी एक अधिग्रहण प्रदान कर देती है। आपको कोई भी बुक पढ़ने के बाद में ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, आपने कुछ ऐसा पढ़ा, और आप जब इस बुक को पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने कुछ ऐसा अचीव कर लिया कि आपको अपनी सोचने की क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचाने का एक मजबूत जरिया हो जाए। जब ये बुक आपके पास में रहती है तो आपको जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो, उन चीज़ों को कैसे सोचा जाए, चीज़ें सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, प्रबोधात्मक हैं, बोधात्मक हैं, कैसी भी चीज़ें रही हों, नेगेटिव, पॉजिटिव, इफेक्टिव, सारी सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाता है इस बुक के माध्यम से। और इस बुक के द्वारा ही आपको अपनी सोचने की क्षमता का जो विकास होता है, जो आप अपनी सोचने की क्षमता को इम्प्रूव कर सकते हो, आप अपने मन मस्तिष्क को इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी की सारी बातें हमें ये बुक बताती है। इसमें लिखा है कि चीज़ें सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती, आपके सोचने का नज़रिया सकारात्मक या नकारात्मक होता है। और एग्जैक्ट यही चीज़ हमें अपने अंदर, अपने मन के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर इंस्टॉल करके रखनी है कि हमारे सोचने का नज़रिया नकारात्मक होता है, चीज़ें सकारात्मक या नकारात्मक नहीं होती। तो ये बुक हमें अपनी तकदीर का निर्माण करने के बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताती है, और आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल ये बुक पढ़ लेनी चाहिए अगर आपको अपनी सोचने की क्षमता का विकास करना है, आपको दिन ब दिन बढ़ोतरी करना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको ये बुक पढ़ लेनी चाहिए। अगर आप इस बुक को नहीं खरीदना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इस बुक की ऑडियो बुक सुन सकते हो जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। वो मेरी मेहनत ही थी, क्योंकि मैंने सुबह सुबह इस बुक को पढ़ने में केवल 1 घंटा बिताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब आप इस बुक की ऑडियो बुक को सुनोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप इस वीडियो को तो लाइक कीजिएगा कीजिएगा, साथ ही आप उस ऑडियो बुक वाली वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये था जैसा मनुष्य सोचता है बाय जेम्स एलन का एक अच्छा रिव्यू, शायद मेरे तौर पर। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप ऐसा ज़रूर हो। और इस बुक के माध्यम से मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ भी अपने अंदर इंस्टॉल किया, वो सारी की सारी बातें मैंने इस बुक रिव्यू में आपको बता दी। हाँ, हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको समझाने के लिए 5-6 मिनट ज़्यादा ले लिए तो क्या हुआ, ठीक है? तो आप बहुत सारी रीडिंग करती रहिएगा, साथ ही आप वो ऑडियो बुक ज़रूर सुनिएगा ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज ज़रूर कर सको, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चल, डन, बाय।